हेलो फ्रेंड्स, यह टैली प्राइम का लेक्चर नंबर 31 है और पिछले वीडियो में हमने अभी तक फरवरी मंथ की एंट्री कंप्लीट कर ली है और हमने फरवरी मंथ का डे बुक, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में कंप्लीट कर ली हैं। और आज की इस वीडियो में हम मार्च मंथ की एंट्री कंप्लीट करेंगे कि मार्च मंथ की एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए, मार्च मंथ की एंट्री करने के लिए यहाँ पर हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है और यहाँ पर जो कैश स्टडी वन है ये हमारी कंपनी है। अभी तक हमने जितने मंथ की एंट्री की है इसी कंपनी पे की है और पिछले वीडियो में हमने फरवरी मंथ की सारी एंट्री कंप्लीट कर ली थी जो यहाँ पर डेट हमारी दिखाई दे रही है। अब हमें यहाँ पर मार्च मंथ की एंट्री करनी है तो उसके लिए हमें वाउचर्स में आना है। वाउचर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मार्च मंथ की एंट्री करने के लिए हमको डेट चेंज करनी है। तो डेट चेंज करने के लिए F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे 1-3/2021। यहाँ पर इंटर बटन प्रेस कर देंगे, मार्च की हमारी डेट चेंज हो जाएगी। तो चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं नोट्स में और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि मिस्टर वर्मा पैड सैलरी बाय चेक। इस क्वेश्चन में मिस्टर वर्मा ने सैलरी पैड की है, यानी कि जो भी एम्प्लॉय इनके बिजनेस में काम करते हैं उनकी सैलरी मिस्टर वर्मा ने पैड की है। तो जो सैलरी मिस्टर वर्मा हर मंथ देते हैं 12,000 रुपये हर मंथ सैलरी देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सैलरी एक्सपेंसेज का लेजर हमने बनाया था सैलरी एक्सपेंसेज हमको डेबिट में करना है। सैलरी एक्सपेंसेज डेबिट में 12,000 से करना है और क्रेडिट में HDFC बैंक रहे क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट किया गया है वो चेक के माध्यम से किया गया है, इसीलिए क्रेडिट हमारा HDFC बैंक रहेगा, बाउचर यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए, इसकी एंट्री हम करते हैं, ओपन करते हैं टैली को। बाउचर हमको पेमेंट लगाना है और डेबिट में रहेगा सैलरी एक्सपेंसेज, डेबिट में सैलरी एक्सपेंसेज रहेगा 12,000। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, अब यहाँ पर हमारे सामने कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन आ जाएंगे। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और शुभम की जो सैलरी है, शुभम की 7500 रुपये पर मंथ सैलरी है। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और गीता शुक्ला, इनके बिजनेस में 2 एम्प्लॉय काम करते तो इनकी सैलरी 4500 रुपये है। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्रेडिट में हमको HDFC बैंक रखना है। क्रेडिट में HDFC बैंक रखेंगे क्योंकि चेक के माध्यम से पेमेंट किया गया है और इस वाले एंट्री को हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एंट्री भी हमारी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मिस्टर वर्मा पाइड ऑफिस रेंट बाय चेक, यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने ऑफिस का रेंट दिया है जो भी मंथली देते हैं। तो जो ऑफिस का रेंट है मिस्टर वर्मा मंथली 2500 रुपये पाइड करते हैं। तो ऑफिस रेंट जो है इसका लेजर बनाना नहीं क्योंकि ये लेजर पहले ही बना है। तो ऑफिस रेंट हमको डेबिट में करना है, ऑफिस रेंट को डेबिट में करना है, क्रेडिट में HDFC बैंक रहेगा क्योंकि इन्होंने चेक के माध्यम से ही पेमेंट किया है। तो चलिए, इसकी एंट्री भी कर लेते हैं। आते हैं हम यहाँ पर टैली में, वाउचर पेमेंट लगाएंगे और यहाँ पर डेबिट में हमको ऑफिस रेंट रखना है। तो करेंगे डेबिट में ऑफिस रेंट 2500 रुपये, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, क्रेडिट में HDFC बैंक रहेगा और इस वाली एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एंट्री भी हमारी यहां पर हो जाएगी। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा पैड ₹750 इन कैश टुवार्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने 750 रुपये पैड किए हैं कैश के रूप में ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज का। तो ऑफिस मेंटेनेंस हमारा एक प्रकार का खर्चा है, तो यहाँ पर डेबिट में हमारा ऑफिस मेंटेनेंस हो जाएगा, डेबिट में ऑफिस मेंटेनेंस हो जाएगा, क्रेडिट में कैश हो जाएगा और यहाँ पर जो वाउचर हमारा पेमेंट लगेगा। तो चलिए, इसकी एंट्री भी कर लेते हैं, टैली को ओपन करते हैं, वाउचर पेमेंट लगाते हैं और डेबिट में हमको रखना है ऑफिस मेंटेनेंस। डेबिट में ऑफिस मेंटेनेंस रखेंगे, अमाउंट कितना है देख लेते हैं। तो आते हैं यहाँ पर नोट्स में और ऑफिस मेंटेनेंस का जो अमाउंट है 750 रुपये है। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, क्रेडिट में कैश रहेगा और इस वाली एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एंट्री भी हमारी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा रिसीव्ड 30,000 इन कैश एज कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम आई टेलीविजन नेटवर्क। यहाँ पर क्या हुआ है, मिस्टर वर्मा को 30,000 रुपये कैश के रूप में प्राप्त हुए हैं, वो भी कंसल्टिंग रेवेन्यू के, यानी जो कंसल्टिंग रेवेन्यू बेचते हैं, जो इनकी सर्विस है, तो इनकी सर्विस का 30,000 रुपये यहाँ पर प्राप्त हुआ है और इनकी सर्विस जो है आई टेलीविजन नेटवर्क ने खरीदा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कंसल्टिंग रेवेन्यू है इसको हम क्रेडिट में कर देंगे, कंसल्टिंग रेवेन्यू क्रेडिट में रहेगा,
कैश हमारा डेबिट में हो जाएगा, क्योंकि इनके बिजनेस में कैश आ रहा है और इनके बिजनेस से इनकी सर्विस जा रही है। वाउचर यहाँ पर रिसीव्ड लगेगा क्योंकि यहाँ पर मिस्टर वर्मा को पैसा रिसीव हो रहा है। तो चलिए इसकी एंट्री भी कर लेते हैं, टैली को ओपन करते हैं। वाउचर यहाँ पर रिसीव्ड वाउचर लगाना है और यहाँ पर क्रेडिट में कंसल्टिंग रेवेन्यू रहेगा, क्रेडिट में कंसल्टिंग रेवेन्यू रहेगा और कितने से यहाँ पर अमाउंट देख लेते हैं कि कंसल्टिंग रेवेन्यू कितने की गई है। तो यहाँ पर जो कंसल्टिंग रेवेन्यू है 30,000 रुपये की है। 30,000 रुपये टाइप करेंगे, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और डेबिट में कैश रहेगा क्योंकि यहाँ पर कैश के माध्यम से इनको पैसा मिला है। यहाँ पर देख लेते हैं कि कैश के रूप में पैसा मिला कि बैंक के रूप में। तो यहाँ पर इनको जो पैसा मिला है कैश के रूप में 30,000 रुपये मिला है और इस वाली एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री भी हमारी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मिस्टर वर्मा पैड 1450 इन कैश टुवार्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने पेमेंट किया है 1450 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल का, यानी कि बिजली का बिल जो आता है उनको यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने पेमेंट किया है। तो यहाँ पर डेबिट में हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज डेबिट में हो जाएगा, डेबिट में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज हो जाएगा और क्रेडिट में कैश हो जाएगा, क्रेडिट में कैश डेबिट में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज हो जाएगा। तो चलिए इसकी एंट्री भी यहाँ पर हम कर लेते हैं, ओपन करते हैं टैली को। वाउचर यहाँ पर हमको लगाना है पेमेंट, पेमेंट वाउचर लगाएंगे। डेबिट में हमको रखना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज, डेबिट में हमको रखना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज। अब यहाँ पर अमाउंट देख लेते हैं कि कितना अमाउंट है। तो यहाँ पर आते हैं नोट्स में और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज का जो अमाउंट है 1450 रुपये है। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट में देख लेते हैं कि क्रेडिट में क्या होगा। तो क्रेडिट में यहाँ पर कैश होगा, कैश क्रेडिट में रखेंगे, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और इस वाली एंट्री को भी यहां पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री भी हमारी यहां पर एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा पैड ₹1900 बाय चेक टुवार्ड्स मोबाइल फोन बिल चार्ज। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने पेमेंट किया है 1900 रुपये का, वो भी चेक के माध्यम से और मोबाइल फ़ोन बिल चार्ज का। तो यहाँ पर जो डेबिट में हो जाएगा मोबाइल फ़ोन बिल होगा और मोबाइल फ़ोन बिल जो है इसका लेजर हमने टेलीफोन एक्सपेंसेज के नाम से बनाया है। तो डेबिट में टेलीफोन एक्सपेंसेज रहेगा, क्रेडिट में हमारा हो जाएगा HDFC बैंक क्योंकि यहाँ पर चेक के माध्यम से भुगतान किया गया है। तो चलिए इसकी एंट्री भी कर लेते हैं, वाउचर यहाँ पर पेमेंट लगेगा। तो आते हैं टैली में, वाउचर पेमेंट लगाते हैं और यहाँ पर डेबिट में हमको रखना है मोबाइल फ़ोन बिल, यानी कि टेलीफोन एक्सपेंसेज। डेबिट में टेलीफोन एक्सपेंसेज रखेंगे, अमाउंट देख लेते हैं कि यहाँ पर अमाउंट कितना है। टेलीफोन एक्सपेंसेज का जो अमाउंट है 1900 रुपये है। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर क्रेडिट में देख लेते हैं क्या रहेगा। तो क्रेडिट में HDFC बैंक रहेगा, क्रेडिट में HDFC बैंक, फिर इस वाली एंट्री को भी यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री हमारी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिस्टर वर्मा रिमेंबर्स कन्वेंस बिल ₹950 इन कैश गीता शुक्ला। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने कन्वेंस बिल दिया है ₹950 गीता शुक्ला को। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पता होगा, डेबिट में कन्वेंस बिल रहेगा, ये हमारा खर्चा है, और क्रेडिट में कैश हो जाएगा, वाउचर पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए इसकी एंट्री भी कर लेते हैं, टैली को ओपन करेंगे, वाउचर पेमेंट लगाएंगे, डेबिट में हमको कन्वेंस बिल रखना है। तो टाइप करेंगे डेबिट में कन्वेंस बिल, कन्वेंस बिल डेबिट में रहेगा। यहाँ पर अमाउंट देख लेते हैं कि कितना अमाउंट रहेगा। तो कन्वेंस बिल का जो अमाउंट है ₹950 है, ₹950 कन्वेंस बिल। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, क्रेडिट में कैश रहेगा और इस वाली एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री भी हमारी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनवॉइस रिसीव फ्रॉम ग्लोबल हाउस। ग्लोबल हाउस के माध्यम से मिस्टर वर्मा को एक बिल प्राप्त हुआ है, 24 फरवरी 2021 का बिल है, जिसमें हाइड एरर यानी कि एक गलती हुई है इन कैलकुलेशन एंड वाज ओवर वैल्यू बाई ₹600। यहाँ पर क्या हुआ है, मिस्टर वर्मा को बिल मिला है ग्लोबल हाउस की तरफ से, वो भी 24 फरवरी 2021 का बिल है। वहाँ पर एक गलती हो गई थी कैलकुलेशन में, ओवर वैल्यू यानी कि जो बिल है ओवर वैल्यू हो गया था ₹600 अधिक। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मिस्टर वर्मा जो है इन्होंने ग्लोबल हाउस से स्टेशनरी का आइटम खरीदा था, ग्लोबल हाउस से मिस्टर वर्मा ने स्टेशनरी का आइटम खरीदा था 24 फरवरी 2021 को। यहाँ पर ग्लोबल हाउस से मिस्टर वर्मा ने स्टेशनरी का आइटम खरीदा था। तो वहाँ पर जो इनका बिल होगा, बिल मान लो जैसे कि ₹5,000 का बिल होगा, अगर उस पर ₹600 एक्स्ट्रा चढ़ गए, गलती से ₹600 एक्स्ट्रा चढ़ गए, तो टोटल अमाउंट ₹5,600 होंगे। फिर जब ग्लोबल हाउस ने बिल चेक किया तो वहाँ पर ₹600 एक्स्ट्रा चढ़े हुए थे। तो इन्होंने मिस्टर वर्मा को फिर बिल भेजा और वहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर गलती हो गई, आप इसको सही कर लो। तो चलिए यहाँ पर 24 फरवरी को जो हमने ट्रांजेक्शन किया था, यानी कि जो हमने आइटम खरीदा था ग्लोबल हाउस से, वो
क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आते हैं फरवरी में, फरवरी में आएंगे और यहाँ पर हम 24 फरवरी का जो क्वेश्चन है ये वाला, इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, मिस्टर वर्मा ने स्टेशनरी का आइटम खरीदा था 7400 रुपये का ऑन क्रेडिट फ्रॉम ग्लोबल हाउस, 7400 रुपये का आइटम खरीदा था, लेकिन जो 7400 रुपये यहाँ पर अमाउंट है इसमें 600 रुपये एक्स्ट्रा गलती से चढ़ गया, यानी कि बिल जो है बिल हमारा गलत हो गया था, उस पर 600 रुपये एक्स्ट्रा हो गए थे। अब इसी को हमें एडजस्ट करना है, तो इस एंट्री को हम या फिर 24 फरवरी की एंट्री जो है जो हमने टैली में की थी उसको सही करें, वो भी सही कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा गलत तरीका है। इस एंट्री को हमें एडजस्ट करना है, यानी कि इसी की एंट्री हम दोबारा करेंगे, वो भी उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 600 रुपये एक्स्ट्रा हमारे चढ़ गए हैं, तो टोटल अमाउंट 7400 था, लेकिन इसमें गलती से 600 रुपये ऐड हो गए हैं, अब इसमें से हमको माइनस करना है। तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे टोटल अमाउंट जो हमारा बचेगा 6800 रुपये, 6800 रुपये का मिस्टर वर्मा ने स्टेशनरी का आइटम खरीदा था, लेकिन यहाँ पर 600 रुपये एक्स्ट्रा हो गए थे। तो चलिए देखते हैं इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो पहले जब हमने इस वाली एंट्री को किया था तो यहाँ पर हमने डेबिट में किया था स्टेशनरी आइटम, डेबिट में हमने स्टेशनरी आइटम किया था और क्रेडिट में हमने ग्लोबल हाउस किया था, क्रेडिट में हमने ग्लोबल हाउस किया था 7400 रुपये, डेबिट में स्टेशनरी आइटम किया था और क्रेडिट में 7400 रुपये ग्लोबल हाउस किया था। लेकिन अब इसकी एंट्री जो हम करेंगे यहाँ पर इस वाली एंट्री को हमें उल्टा करना है, क्योंकि पहले ग्लोबल हाउस क्रेडिट हो रहे थे, अब यहाँ पर ग्लोबल हाउस को हमें डेबिट करना है। ग्लोबल हाउस को डेबिट करेंगे 600 रुपये से और स्टेशनरी आइटम जो है क्रेडिट करेंगे 600 रुपये से, स्टेशनरी आइटम क्रेडिट करेंगे 600 रुपये से और ग्लोबल हाउस को डेबिट कर देंगे 600 रुपये से। तो चलिए इसकी एंट्री जब करेंगे तो वहाँ पर जो 7400 रुपये अमाउंट हमारा फरवरी में एक्स्ट्रा हो गया था 600 रुपये, वो ऑटोमेटिक यहाँ से माइनस हो जाएगा और हमारी एंट्री ए भी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं टैली को और यहाँ पर जो वाउचर लगेगा हमारा वाउचर, इसमें हमारा जर्नल वाउचर लगेगा, तो ओपन करते हैं टैली को, वाउचर यहाँ पर जर्नल वाउचर लगाएंगे और यहाँ पर डेबिट में हमको करना है ग्लोबल हाउस, डेबिट में ग्लोबल हाउस करेंगे 600 रुपये। यहाँ पर देख रहे होंगे 7400 रुपये हमारा टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है, जब यहाँ पर हम 600 रुपये करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम टाइप करेंगे 600 रुपये, यहाँ पर हम 600 रुपये टाइप करेंगे, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, एडजस्टमेंट है इसको यहाँ से एडजस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर देखिएगा 6800 रुपये टोटल ग्लोबल हाउस यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे 6800 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है उसको हम एडजस्ट करते हैं। अब क्रेडिट में जो रहेगा, क्रेडिट में हमारा स्टेशनरी आइटम रहेगा, यानी कि स्टेशनरी एक्सपेंसेज हमारा क्रेडिट में रहेगा, तो यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंसेस को रखेंगे क्रेडिट में और फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और इस वाली एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एंट्री हमारी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, तो यहाँ पर हमने इस वाली एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया है और ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, यहाँ पर गलती से हमारा बिल एक्स्ट्रा हो गया था। फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा पैड 6800 बाई चेक टू ग्लोबल हाउस, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने पेमेंट किया है ग्लोबल हाउस को 6800 रुपये का, 6800 रुपये का पेमेंट ग्लोबल हाउस को किया है। पेमेंट इसलिए किया गया है क्योंकि इन्होंने 6800 रुपये की स्टेशनरी आइटम उधार खरीदी थी, मिस्टर वर्मा ने ग्लोबल हाउस से 6800 रुपये की स्टेशनरी आइटम उधार खरीदी थी और उसी को हमें एंट्री करनी है। अब यहाँ पर जब उधार खरीदी थी तो ग्लोबल हाउस को क्रेडिट किया गया था और डेबिट में स्टेशनरी आइटम किया गया था, अब यहाँ पर ग्लोबल हाउस पेमेंट पा रहे हैं उसी स्टेशनरी आइटम का, तो डेबिट में हम कर देंगे ग्लोबल हाउस, क्रेडिट में HDFC बैंक वाउचर यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए इसकी एंट्री यहाँ पर हम करते हैं, ओपन करते हैं टैली को, वाउचर यहाँ पर पेमेंट वाउचर लगाना है और यहाँ पर डेबिट में रहेंगे ग्लोबल हाउस, डेबिट में ग्लोबल हाउस रहेंगे 6800 रुपये, यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री है, एडजस्ट करेंगे इसको यहाँ से, अब ये क्रेडिट में HDFC बैंक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने जो पेमेंट किया है चेक के माध्यम से किया है, तो यहाँ पर क्रेडिट में हमको HDFC बैंक करना है, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे क्रेडिट में HDFC बैंक और इस वाली एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एंट्री भी हमारी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा विड्रॉ 6500 कैश फॉर पर्सनल यूज, यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने 6500 रुपये अपने बिजनेस से निकाले हैं वो भी पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर डेबिट में हमारा विड्रॉ हो जाएगा, जब कोई भी बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस से पर्सनल के लिए निकालता है तो वहाँ पर डेबिट में हमें विड्रॉ करना है और क्रेडिट में कैश हो जाएगा, वाउचर यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं, टैली को ओपन करेंगे, वाउचर पेमेंट लगाना है, डेबिट में हमको विड्रॉ करना है,
डेबिट में विड्रॉ करना है कितने से, 6500 रुपये है, यहाँ पर टाइप करेंगे 6500 रुपये, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, क्रेडिट में कैश रहेगा और इस वाली एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्च की जितनी भी एंट्री थी मार्च की एंट्री को कम्प्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम मार्च का ट्रायल बैलेंस मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं नोट्स में, नोट्स में जो हमारा ट्रायल बैलेंस है इस वाले ट्रायल बैलेंस है और अपना वाला ट्रायल बैलेंस मैच करेंगे जो हमने अभी एंट्रियाँ की हैं। तो आते हैं टैली में और यहाँ से बाइक करेंगे, बाइक करने के लिए एस्केप बटन प्रेस करेंगे और हमें ट्रायल बैलेंस देखने के लिए आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर दिया है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस पे क्लिक कर देंगे, ट्रायल बैलेंस हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब इसको हमें फुल डिटेल में देखना है, तो फुल डिटेल में देखने के लिए अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, हमारा ट्रायल बैलेंस फुल डिटेल में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ग्रुप वाइज चेक करेंगे, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो है जो हमने अभी एंट्रियाँ की हैं इसमें 80,500 रुपये कैपिटल अकाउंट है डेबिट में और क्रेडिट में 3,50,000 रुपये क्रेडिट साइड में है। अब यहाँ पर आते हैं नोट्स में जो हमने ट्रायल बैलेंस दिया है यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है 80,500 रुपये है, ये भी सही है डेबिट में, और 3,50,000 रुपये हमारा क्रेडिट में है, ये भी यहाँ पर सही है। फिर इसके बाद हमारा करंट लायबिलिटीज आ रहा है, तो करंट लायबिलिटीज जो है ये हमारा 5,900 रुपये क्रेडिट साइड में है, करंट लायबिलिटीज 5,900 रुपये क्रेडिट साइड में है। अब टैली में आते हैं और यहाँ पर करंट लायबिलिटीज चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी 5,900 रुपये हमारा क्रेडिट साइड में, ये भी सही है। और यहाँ पर जो फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट हमारी 95,500 रुपये की है, ये भी सही है। अब आते हैं नोट्स में और यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर जो फिक्स्ड एसेट है ये भी हमारी 9,500 रुपये डेबिट साइड में है, तो यहाँ पर भी हमारी फिक्स्ड एसेट सही है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं करंट एसेट, तो करंट एसेट जो है 4,43,000 रुपये है, करंट एसेट 4,43,000 रुपये डेबिट साइड में है, और इसमें मैं कैश चेक करना तो कैश 3,26,700 रुपये है और जो बैंक है बैंक 67,400 रुपये है। अब यहाँ पर आते हैं हम टैली में और यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो करंट एसेट है, करंट एसेट हमारा 4,43,000 रुपये है, सही है, और इसमें जो कैश है, कैश हमारा यहाँ पर 3,26,000 रुपये कैश है, और जो यहाँ पर बैंक है, बैंक हमारा 67,400 रुपये, ये भी यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम हमारी जो हो रही है 5,45,000 रुपये की डायरेक्ट इनकम हो रही है, ये भी सही है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,81,900 रुपये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में है, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर आते हैं टैली में, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम 5,45,000 रुपये की डायरेक्ट इनकम हो रही है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,81,900 रुपये की हो रही है, ये हमारी सही है। फिर यहाँ पर जो ग्रांट टोटल है, ग्रांट टोटल हमारा टोटल डेबिट साइड में 9,900 रुपये आ रहा है और क्रेडिट साइड में भी 9,900 रुपये आ रहा है। अब यहाँ पर नोट्स में चेक कर लेते हैं, नोट्स में भी हमारा सेम आ रहा है डेबिट और क्रेडिट में 9,900 रुपये। तो यहाँ पर हमने ट्रायल बैलेंस मैच कर लिया और ट्रायल बैलेंस हमारा बिल्कुल सही है, और हम अगले वीडियो में प्रोविजन एंट्री देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग टैली सीख रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना, यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि जो प्रोविजनल एंट्री हैं इसमें हमारी नई नई एंट्री आएंगी, यहाँ पर बिल्कुल नई एंट्री होंगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम प्रोविजनल एंट्री देखेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।